अभी मैं शालमी से मैंने एनके लिए, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा शू मार्केट पछवाली में, वहाँ पे तारीख की खीर खाने। लेकिन मैं गया था, खीर की ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं दोबारा फिर कल आऊँगा शायद खीर खाने के लिए। लेकिन अब मैं मौजूद हूँ बेरून मोरी गेट, ठीक है। आप देख सकते हैं तो सामने उर्दू कार्ड देखे सामने मोरी गेट, ठीक है। यहाँ पे एक सदीक स्वीट मार्ट है, उनके पास हलवा जात होते हैं बहुत फेमस, सदीक स्वीट मार्ट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अंदरून मोरी गेट से तकरीबन समझ में वो नज़र आ रहा है 50 मीटर के दूरी पे हलवा वाले की दुकान है। मैं देखता हूँ उसके पास कुछ बचा हुआ है अभी तक या नहीं। गर्मियों में तो नॉर्थ इंडियन के पास होती है पेड़ों की, तो अब सर्दियों में हलवा जात लगाते हैं। अब सर्दी भी ख़त्म हो रही है, देखते हैं अब क्या है। ये देखिए अंदरून मोरी गेट है। अब मैं जा रहा हूँ हलवा वाले की दुकान पर, राइट लेफ्ट पे सब खाने पीने की दुकानें हैं, आप देख सकते हैं रश फुल है। ये भी दूध दही वाली दुकान, ये बेकरी का सामान बेच रहे हैं भाई जी, ठीक है। अब ये देखें, ये सिद्दीक स्वीट मार्ट है, छोटी सी दुकान है, ये देखें। ये है सिद्दीक स्वीट मार्ट, ठीक है। ये इनके छोटे से, तो लेकिन इनके पास नॉर्मली पेड़े की लस्सी बड़ी फेमस है इनकी, लेकिन वो तो जाहिर बात है गर्मियों में होती होगी। आज इनके पास पड़ा होगा गाजरों का हलवा, ये देखें थोड़ा सा बचा। अब मैं एज ए स्वीट डिश इसको ट्राई करूँगा। सर ये क्या चीज़ है, सोन हलवा है? अच्छा, ये दाल का हलवा है और ये गाजरों का हलवा। तो आपकी सबसे फेमस जो चीज़ है वो कौन सी है? गाजरों दाल। अच्छा, जो पेड़ों की लस्सी है नॉर्मली आप कब बनाते हैं? गर्मियों में। सुबह किस टाइम अगर कोई आना चाहिए आपके पास, किस वक्त? 6 से 12 के टाइम। अच्छा, इनकी सबसे फेमस चीज़ जो है ना वो दाल का हलवा है, ठीक है। उसकी प्राइस तकरीबन 1200 रुपये पर किलो है, आप देख सकते हैं। और गाजर के हलवे की प्राइस 1000 पर किलो है। अब मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा गाजर का हलवा और ये दाल का हलवा जो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं ये ट्राई करूँगा इनसे लेके। ये देखिए अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि इनका हलवा कैसा होता है जो सबसे फेमस है यहाँ पे? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो इनकी दुकान बनाते हैं। इनकी दुकान कब से है? 22 साल तो हमें हो गए, देखते 22 साल आपको हो गए, इसका मतलब काफी पुरानी दुकान होगी। चलो ठीक है। अच्छा, आप हलवे में डालते क्या गाजरों के हलवे में और ये स्पेशली दाल के हलवे में? 10-12 चीजें डालते। अच्छा, 10-12 चीजें डालते हैं, ठीक है। और रोज का रोज आपका खत्म भी हो जाता होगा? डेली सेल हो जाता है। आपकी और कोई ब्रांच है इसके अलावा? ठीक है, मुझे अच्छा फौरन ख़त्म हो जाता है इनका, ठीक है। मुझे अब आप क्या ट्राई कराएंगे, जो चीज़ आपकी क्या जो ज़्यादा मज़े की चीज़ है, मुझे आप वो ट्राई करा दे, ठीक है। अच्छा, मेरे लिए दाल का हलवा ये देखें कर रहे हैं, और मैं ट्राई करूँगा थोड़ा। मैं गाजरों का हलवा भी लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं ये भी ट्राई करना चाहता हूँ गाजर का हलवा भी। ये देखिए मेरी प्लेट रेडी हो गई। अब मैं देखता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। अच्छा, ये देखेंगे दाल का हलवा थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है ना, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है देसी घी इसमें, तो मैं इसको ट्राई करके बताता हूँ टेस्ट कैसा है। ये बहुत मज़े का दाल का हलवा, मेरी यकीन करें आप, बहुत मज़े का, थोड़ा क्रंची सा है, देसी घी इसमें काफ़ी पड़ा हुआ है, बड़ा यूनिक टेस्ट है। मैंने काफ़ी जगह से खाया, इतना मज़े का किसी का नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको गाजरों का हलवा बताता हूँ कैसा है, ठीक है। ये देखिए गाजर का हलवा काफ़ी ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना, कितना ठीक है।
तो मैं ये भी देखता हूँ। बहुत मजे का है, यानी कि बड़ा ठीक है ये। आपको जब आप इसको आएंगे आपको खुद पता चलेगा कितना मजे का ये यूनिक टेस्ट है। हर बंदा नहीं बना सकता ऐसा टेस्ट। और इनका सामान जितना होता है डेली, ये देखिए मेरे बैठे बैठे उनका हलवा खत्म भी हो गया बैठे बैठे। इनका सामान रोजगार खत्म हो जाता है। एक ही ब्रांच है, लालच नहीं करते कि हम 50 ब्रांचें बना लें, क्वालिटी गिर जाए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, फॉर स्टे विद मी फॉर मोर ब्यूटीफुल वीडियोस।